हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर अपने सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस के, जिसमें चैप्टर वाइज मैं 10 क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रहा हूं। लेकिन मैं पहले हर वीडियो में जैसा कहता हूं, मैं फिर कह दूं कि आप हमारी जो 10 क्वेश्चंस हैं, इनको चाहें तो पहले से आप डाउनलोड कर लें, आप पहले सॉल्व कर लें, फिर आप वीडियो को देखें। या ऐसा नहीं करते हैं तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और ऑडियो को बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, बल्कि मैं आपको क्ल्यू दूंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस करना चाहिए, और बल्कि मैं उसके करस्पॉन्डिंग टॉपिक को भी ब्रीफली डिस्कस ज़रूर करूंगा। और सबसे एडिशनल बात कि जिस लाइन से ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, मैं उन लाइन को भी आपको इंडिकेट करूंगा, क्योंकि ये जानना नहायत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होते हैं। क्योंकि लोगों की धारणा है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये जानिए कि एनसीईआरटी के लाइन से हम कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बात अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहला सवाल है, असर्शन, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग। रीजन इज का स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। असर्शन को अगर आप देखें तो ये हमारे पेज नंबर 302, जो शुरुआत की दो लाइनें हैं चैप्टर के शुरुआत में ही, ये सबसे पहली दो लाइनों में यही बात कही गई है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है मूवमेंट, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो यस, इट्स अ ट्रू लाइन। रीजन को अगर हम देखें तो अमीबा में साइक्लोसिस नाम की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है एक साइक्लिक मैनर में पूरी अपने सेल के अंदर मूव करता रहता है, दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल। तो स्टेटमेंट ये भी सही है जो रीजन में लिखा गया है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। यस, सेल के अंदर है, एक ही सेल के अंदर बात की जा रही है, तो इससे सिंपल मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगा। अमीबा के बारे में जानेंगे अगर आप, तो जो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। खैर, दोनों लाइनें सही हैं। पहली लाइन एक जनरल सी बात कह रहा है मूवमेंट के लेकर, और दूसरी लाइन एक प्रकार का एग्जाम्पल है, इसलिए ये बिकॉज या दैट्स वाई लगाने से रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। इससे लाइनें दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए आंसर शुड बी द बी। सेकंड क्वेश्चन है, असर्शन, ऑल लोकोमोशन आर द मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये भी आप पहला ही पैराग्राफ अगर देखें लोकोमोशन या मूवमेंट का, तो उसी में नजर आ जाएगा कि जो असर्शन में बात कही जा रही है, पहले आप जान ले मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है। किसी एक ऐसा मूवमेंट जिसमें प्लेस या लोकेशन चेंज होती है, जब चेंज होती है तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन इज ए टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म चेंजेस इट्स प्लेस या लोकेशन। इस वजह से आप कह सकते हो ऑल लोकोमोशन आर द टाइप ऑफ द मूवमेंट बट ऑल द मूवमेंट कैन नॉट बी ए लोकोमोशन। जैसे हम अपनी पलकें मूव कराते हैं वो लोकोमोशन नहीं है, इसलिए हम आईलिट का मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस हम करते हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी की पोजीशन नहीं चेंज होती है। तो इस पॉइंट को देखें तो पॉइंट सही नजर आ रहा है, मैं फिर से पढ़ दूं, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है, जितने लोकोमोशन है दे आर टाइप ऑफ द मूवमेंट जिसमें उसका स्थान बदल जाता है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। रीजन को पढ़ें, हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। जो हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं ये दोनों फंक्शन में आते हैं, वो खाने को पकड़ता भी है और वो चलने में भी मदद करता है, एक वॉकिंग लेग की तरह काम करते हैं। तो जो वॉकिंग टाइप का मूवमेंट है हाइड्रा में, वो टेंटिकल की मदद से होता है।
तो पहली बात, फिर जैसे पहला सवाल था एकदम उसी तरह की पहली एक जनरलाइज बात कही गई मूवमेंट एंड लोकोमोशन का कंपैरिजन करते हुए, लेकिन जो सेकंड लाइन है एक एग्जांपल दिया गया एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को लेकर जो फूड मूवमेंट में भी मदद करता है यानी फूड कैप्चर में भी और लोकोमोशन में भी मदद करता है। तो दोनों ही लाइनें सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर शुड बी द बी। थर्ड क्वेश्चन है असर्शन, स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बॉडी। इस बात को देखें, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इनका नाम ही इसलिए रखा गया बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट, बेसिकली बोन से कनेक्टेड होती हैं इसलिए हम इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये बात कही गई है पेज नंबर 303 पे, मसल्स नाम का एक टॉपिक दिया होगा उसके सेकेंड पैराग्राफ में। इनका अपीयरेंस होता है वो स्ट्राइप्ड होता है, माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो इसमें धारियां सी पाई जाती हैं, इसलिए इन्हीं को हम स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं, इन्हीं को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। इनका कंट्रोल हमारे विल पावर में होता है, हम अपनी इच्छा के साथ इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर पाते हैं, इसलिए वॉलेंट्री होती हैं। तो प्राइमरी जो इनका फंक्शन है वो लोकोमोटरी एक्शन है और चेंज इन द बॉडी पॉस्चर है, ये इनका बेसिक फंक्शन है। हालांकि कुछ जगह पर इनके फंक्शन बदल जाते हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो स्टेटमेंट सही नजर आ रहा है। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसका नाम ही इसी आधार पर रखा गया स्केलेटल मसल। सर रीजन को देखेंगे हम, दे असिस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द गैमेट थ्रू द जेनिटल ट्रैक। तो ये जान लें कि डाइजेस्टिव ट्रैक और जेनिटल ट्रैक में स्केलेटल मसल होती ही नहीं है, वहां तो स्मूथ मसल्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं, तो इसलिए स्केलेटल मसल का कोई भी लेना देना उसके साथ नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि आपने असर्शन में जो बात की स्केलेटल मसल की, तो जो रीजन में दे वर्ड लगाया गया है शुरुआत में, दे का मतलब स्केलेटल मसल की तरफ इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब स्केलेटल मसल तो कभी भी जीआईटी या गैमी ट्रांसपोर्ट में मदद नहीं करती हैं, इससे रीजन इज रॉन्ग। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, ऑब्वियसली आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्केलेटल मसल फाइबर इज ए सिंसाइटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चन लिया गया है पेज नंबर 304 के सेकंड पैराग्राफ से। स्केलेटल मसल को हम लोग कहते हैं ही मल्टी न्यूक्लिएट सिंसाइटियम, क्योंकि माना जाता है जो हमारे स्केलेटल मसल फाइबर है दैट इज फॉर्म बाय द मेनी मायोब्लास्ट, हर मायोब्लास्ट के पास न्यूक्लियाई होता है, वो सारे मायोब्लास्ट आपस में फ्यूज कर जाते हैं एंड दैट रिजल्ट द मसल फाइबर। तो स्टेटमेंट सही है, रीजन पढ़ते हैं, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट या मायोफाइबल्स। तो इट हैज, इसका अगर इसके अंदर देखा है स्केलेटल मसल के अंदर, इट हैज वेरी लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंट्स, मसल्स नहीं, स्केलेटल मसल के अंदर कई सारे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड फिलामेंट्स पाए जाते हैं, उन्हें हम मायोफिलामेंट या मायोफाइबल कहते हैं। ये बात तो सही है, बात कही जा रही है, जो जैसा दिखता है स्ट्राइटेड मसल्स में वैसा यहां भी दिख रहा है, तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं। लेकिन जो वो मल्टी न्यूक्लियेट सिंसाइटियम की बात की गई है वो लाइन मायोफिलामेंट एक्सप्लेन नहीं करता है। मल्टी न्यूक्लियेट इसलिए हुआ कि कई सारे मायोब्लास्ट आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मल्टी न्यूक्लियेट है। मायोफिलामेंट्स वहां पर एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से नजर आता है। इससे आंसर इज द बी, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, असर्शन पढ़ते हैं, द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड आइसोट्रॉपिक बैंड, वेयर इज द डार्क बैंड कंटेन्स ए या एन आइसोट्रॉपिक बैंड कंटेन मायोसिन। तो ये पेज नंबर 305 सेकंड पैराग्राफ से लिया गया है। जो मायोफाइब्रिल होता है इट हैज एन अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, जो डार्क बैंड है दैट इज मेड अप ऑफ मायोसिन फिलामेंट, जिसे हम ए बैंड कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाता है ये। लाइट बैंड जो होता है वो एक्टिन फिलामेंट है, उसे हम आई बैंड कहते हैं, वो आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ भी कहा जा रहा है कि लाइट बैंड में एक्टिन है, उसे हम आई बैंड कहते हैं,
जो डार्क आपके पास आइसोट्रॉपिक था, जो आपका डार्क बैंड है वो ए बैंड है, एन आइसोट्रॉपिक है जिसमें मायोसिन होता है। यस राइट। रीजन पढ़ते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर इन कंपैरिजन टू मायोसिन फिलामेंट, हेंस द कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही बात है, एक्टिन फिलामेंट थोड़े पतले होते हैं मायोसिन की तुलना में, तो इसे हम चाहें तो एक्टिन को थिन फिलामेंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। डार्क या लाइट बैंड का रीजन नहीं है थिन या थिक फिलामेंट होना, डार्क या लाइट बैंड का रीजन ये नहीं है, इसलिए आंसर इसका बी होना चाहिए। तो एसर्शन सही है, रीजन सही है, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है हम। असर्शन, इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ये पेज नंबर 306 स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के नाम से टॉपिक है, उसमें आप देख सकते हैं। एक्टिन फिलामेंट को जान लें, एक्टिन फिलामेंट में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जी एक्टिन मोनोमेरिक फॉर्म है, उसी का पॉलीमेरिक फॉर्म एफ एक्टिन है, दूसरा कंपोनेंट है ट्रोपोमायोसिन और तीसरा कंपोनेंट है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ग्लोबुलर फॉर्म में तीन छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी, एंड दिस ट्रोपोनिन सी हैज एन वेरी हाई एफिनिटी फॉर द कैल्शियम आयन। तो जब वो कैल्शियम आयन के साथ जुड़ जाता है तो ये जो मास्किंग वाली जगह है जो वो ट्रोपोमायोसिन को कवर करके रखता था उससे हट जाता है। जब तक कैल्शियम के साथ नहीं जुड़ता है तब तक ट्रोपोनिन सी ऑलवेज मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन द एक्टिन फॉर मायोसिन। दिस स्टेटमेंट में ऐसा ही कहा जा रहा है, इन द रेस्टिंग स्टेट द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन यानी ट्रोपोनिन सी मास्क यानी ढक देता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन प्रेजेंट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। बिल्कुल सही है, जब आप स्टिमुलेट करते हो, एक थ्रेशोल्ड पहुंचाते हो, वहां तक कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है, वही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ जुड़ जाता है और जुड़ करके उसके कॉन्फर्मेशनल चेंज कर देता है जिससे जो एक्टिव साइट्स हमारी वो एक्सपोज हो जाती है। रीजन, द ग्लोबुलर हेड ऑफ एक्टिन इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम एंड इज अ बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एन एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। मायोसिन को जान ले, मायोसिन इज मेड अप ऑफ मेनी मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल्स। मीरोमायोसिन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। जो हैवी मीरोमायोसिन है दैट कंटेन्स हेड विद द शॉर्ट आर्म, वही शॉर्ट आर्म थोड़ी ऑब्लिक होती है तो क्रॉस आर्म कहते हैं, हेड में डबल हेड होते हैं और ईच हेड हैज, अगर किसी भी हेड को देखें डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, एक एक्टिव बाइंडिंग साइट है और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट है और इसका हेड एक इटसेल्फ एंजाइम की तरह काम करता है। तो इसमें हम रीजन को फिर से पढ़ते हैं, ग्लोबुलर हेड ऑफ एक्टिन गलत, क्योंकि वर्ड ग्लोबुलर हेड एक्टिन में है ही नहीं, यही वर्ड बोला जाता ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन तो बात सही हो जाती, इसलिए आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। ग्लोबुलर हेड ऑफ एक्टिन है ही नहीं, बस अगर हम स्टेटमेंट में एक्टिन की जगह मायोसिन लिखा होता तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाता, इसलिए रीजन गलत है, असर्शन सही है, इसलिए आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। असर्शन, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू द फटीग। ये पेज नंबर 308 फिगर एक बना होगा 20.5, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट्स हैं एकदम किताब से निकाले गए हैं कि अगर आप किसी मसल्स को बार बार एक्टिवेट करते रहेंगे, बार रिपीटेड एक्टिवेशन करेंगे, दैट लीड टू फटीग। रीजन इसका दिया गया है, अकोमोडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग द फटीग। तो बात तो सही नजर आ रही है, आप असर्शन और रीजन के बीच में बिकॉज लगा दें तो आपको उस फटीग का वजह पता चल जाएगा, क्योंकि हम थकते तभी क्योंकि लगातार आप एक्टिवेट मसल्स को करोगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्लो हो जाता है, एनरोबिक प्रोसेस शुरू हो जाती है जिससे लैक्टिक एसिड बनने लगता है और वही लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में डिपॉजिट होने लगता है जिस वजह से आप में थकान आती है। जब हम रेस्टिंग फेज में आते हैं तो वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे ग्लाइकोजन जो लैक्टिक एसिड है वो लिवर में भेजा जाता है, जहां पर वो ग्लूकोज में पुनः कन्वर्ट होकर के फिर से मसल्स को भेज दिया जाता है, इसी को आप कोरी साइकिल कहते हैं।
तो स्टेटमेंट सही है, रीज़न सही है दोनों, और बिकॉज लगा के देखें तो आपको सही एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। जो फटीक की बात कही जा रही है उस फटीक की वजह आपको पता चल जाएगी। तो आंसर शुड बी द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन, द स्कल इज कंपोज ऑफ टू सेट ऑफ बोन क्रेनियल एंड फेशियल दैट टोटल्स टू द 28 बोन। ये पेज नंबर 309 सेकंड पैराग्राफ से लिया गया है। तो जान ले पहले, स्कल इज कंपोज ऑफ टू सेट ऑफ बोन क्रेनियल एंड फेशियल दैट कंपोज ऑफ यानी दैट टोटल्स ऑफ 22 बोन। ये डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन है। दैट टोटल्स का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि स्कल में कुल 22 हड्डियां हैं। ये जो दो रीजन है इसके लिए लिखा हुआ है। आगे सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि टू सेट्स ऑफ बोन क्रेनियल एंड फेशियल दैट टोटल्स, यानी ये दोनों जो टोटल है ये 22 बोन बनाते हैं, क्योंकि क्रेनियम वाले रीजन में 8 हड्डियां हैं, फेशियल वाले रीजन में 14 हड्डियां हैं। तो हो गए 22, 6 ईयर ऑस्कल्स हैं, 1 हायोर्ड बोन है, स्कल की बात करते तो 29। तो असर्शन गलत हो गया। तो हम लोग पहले भी कई बार करते हैं कि जैसे ही असर्शन गलत होता है रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है और आंसर डी हो जाता है। लेकिन हमने हमेशा कहा है कि रीजन पढ़ लें आप। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन द नंबर, सही नजर आ रहा है। एंड फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 20 स्केलेटल एलिमेंट, जो गलत है, और फेशियल रीजन में सिर्फ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो आंसर मैंने कह दिया था डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है असर्शन, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। शुरू के जो 7 आपके पेयर ऑफ रिब्स हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ये पेज नंबर 310 सेकेंड पैराग्राफ से लिया गया है और ये लाइन सही है। ऐसा इसलिए ट्रू रिब्स है कि इसका एक सिरा वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा डायरेक्टली स्टर्नम से ही जुड़ता है। सर रीजन देखेंगे, डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली दे आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हायलिन कार्टिलेज। बिल्कुल एक्यूरेट है ये, यही वजह है इसीलिए हम इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। आंसर ए है क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन और जान लें, रिब नंबर 8th, 9th एंड 10th ये हमारी फॉल्स रिब कहलाती हैं। इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब भी कहते हैं क्योंकि ये कभी स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ती। ये सब जो है 7th रिब के स्टर्नल ईंड से जुड़ती हैं। 11th एंड 12th जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। नॉर्मली हमारे पास 12 ही पेयर रिब्स पाई जाती हैं, लेकिन कभी अगर आपको 13 रिब्स कहीं पढ़ने को मिले तो उसे हम गोरिल्ला रिब कहते हैं। ये अनकॉमन है लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में जैपनीज में कॉमन है। हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन है, फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। सही बात है, फाइब्रस ज्वाइंट का दूसरा नाम है इमोबिल ज्वाइंट, और जाहिर बात है ये कभी मूवमेंट नहीं शो करते। ये पेज नंबर 312 फाइब्रस ज्वाइंट नाम का एक टॉपिक है उससे लिया गया। रीजन देख लें, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन। ये रीजन एग्जांपल है इसका, ये रीजन नहीं है लेकिन फिर भी लिखा गया इसमें, तो ये बिकॉज लगा के नहीं होगा। पॉइंट तो सही है कि भाई फाइब्रस ज्वाइंट जो होते हैं ये फ्लैट स्कल बोन इसके एग्जाम्पल्स कहलाते हैं जिनसे सूचर्स बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर बोन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट इज फॉर्म ऑफ सूचर। तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन दिया जा रहा है वो रीजन नहीं बल्कि असर्शन का एग्जांपल है, इसलिए ऑप्शन शुड बी द बी। इस तरह से मैंने फिर आपको 10 क्वेश्चन कराए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप हमारे इन क्वेश्चंस को मत याद करिए, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके की तरफ रहिए। तरीके अगर आप जान जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो उस अप्रोच को आपको पता होगा और उस अप्रोच से आप बेहतर आंसर कर लेंगे। एनसीईआरटी के लाइनों से ही हम सवाल बना के आपके सामने दे रहे हैं जिससे आपको ये पता चले कि एनसीईआरटी के लाइनें जिस पे आप बड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं, जाने देखिए कैसे हम उसे सवाल फ्रेम कर लेते हैं, असर्शन रीजन जैसे भी सवाल फ्रेम कर लेते हैं जिसके बारे में लोगों को थोड़ा सा भय है। मैं फिर यही कहूँगा, अपनी टॉपिक्स को, अपनी किताब को, अपनी कॉपीज को बेहतर तरीके से पढ़ें, समझ कर पढ़ें। डोंट ट्राई टू लर्न ओनली, फर्स्ट इट शुड बी अंडरस्टैंड एंड देन ऑटोमेटिकली दैट विल बी लर्न।
एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू.